यू नो दैट पूरे 13 दिन के बाद IELTS रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है अगर इन बिटवीन कोई ज़्यादा पब्लिक हॉलीडे या कोई इशू ना क्रिएट हो, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना IELTS रिजल्ट बहुत जल्द। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह 6 बजे उठ जाइए अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज समवेयर अराउंड 6 in the morning स्टूडेंट्स को मैसेजेस ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि एज सून एज यू गेट द मैसेज अपने घर वालों के साथ भी शेयर कीजिए ये अपनी खुशी, और प्लीज़ मेरे साथ भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने एग्जाम कहाँ दिया था और आपका क्या रिजल्ट आया। इट वुड रियली हेल्प मेनी अदर स्टूडेंट्स who are expecting their result, उन्हें दो चीजें ये पता चल जाएंगी। पहला कि रिजल्ट वाकई डिक्लेयर हो चुका है, दूसरा ये क्या जहां पर उन्होंने एग्जाम दिया था क्या उस वेन्यू के रिजल्ट आने शुरू हो गए कि नहीं। रिजल्ट के साथ 4-5 चीज़ें जुड़ी होती हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, अगर आपका इन द मॉर्निंग रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है पैनिक मत कीजिए, 10, 11, 12, 1, 2 शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा केस है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो अगर आप उनको IDP को ईमेल या चाहे तो डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन बहुत सारा स्टूडेंट कॉल कर रहा होता है इस टोल फ्री नंबर पे, जिसकी वजह से हाई कॉल वॉल्यूम की वजह से मे बी वेट पीरियड बहुत हो या रिप्लाई ना मिले। लेकिन इन केस यू डू, दे वुड ईदर से दैट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इट वुड बी डिक्लेयर्ड सून, या सिस्टम पर अपडेट नहीं हुआ, या द चांसेस आर दैट यू गेट द रिप्लाई और एन ईमेल सेइंग दैट और स्टेटिंग दैट योर रिजल्ट इज अंडर रिव्यू। तो ये क्वालिटी चेकअप प्रोसीजर है, हर एक वेन्यू से या रैंडमली डिफरेंट वेन्यू से डिफरेंट स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट्स डिटेन किए जाते हैं वो क्वालिटी चेक। इफ देयर इज नथिंग लाइक दैट और नथिंग सस्पिशियस, रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर विद इन वीक टाइम, जो 2-3-4 दिन हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। बट If there is something dicey, और ये आपको पता है आपने कुछ ना कुछ किया होगा, तो उस केस में या वेन्यू में ही किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, ट्रेनर के साथ थोड़ी बहस हो जाती है, या क्या नाम होता है आप चीट के टाइम चीटिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, कुछ डिवाइस का इशू हो, कुछ भी हो सकता है, इस केस में आपका रिजल्ट डिटेन रहेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक पूरा प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होता। एंड चांसेस आर कि अगर नहीं कुछ हो पाता है तो आपको 2 साल का बैन लगता है। एक बात मैं ये कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल भी आता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर को या टेस्ट चेकिंग बॉडीज़ को अथॉरिटीज़ को इम्पोस्टर का शक होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, आपकी जगह कोई और गया हुआ था। तो इन दैट केस दे वुड आस्क यू सर्टेन डिटेल्स टू फिगर इट आउट कि वाकई अगर आप उस टाइम पर प्रेजेंट होते तो ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते। वेल, इसके बाद आती है बात EOR की, दैट मीन्स इंक्वायरी ऑन रिजल्ट। मेरे लेटेस्ट वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें सक्सेस रेट बताया है, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने EOR अप्लाई किया एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस इन द कमेंट के एक्चुअली EOR फिल करने के बाद उनका रिजल्ट क्या अपडेट हुआ या नहीं हुआ, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। एट द सेम टाइम उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप ये फिगर आउट कर लें कि वाकई आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपका स्कोर नहीं आया है, आपके वाकई बैंड इससे कम आधा या 1-1.5 ज़्यादा आने चाहिए थे जितने आपके आए हैं, फिर तो आंखें बंद करके EOR सेम डे अप्लाई कीजिए। बट इफ़ यू योर सेल्फ आर नॉट श्योर अबाउट के 5.5 आ गए, अब इसको 6 कैसे करूँ, या 6 बार एग्ज़ाम दे रही या नहीं आ रहे हैं तो ERF अप्लाई करूँ, That's not going to help you at all. इसके अलावा अगर रिजल्ट की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए अगर आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। As soon as you get in touch with a respectable, reputed and trustworthy organization, जिनके साथ आप अपनी further process continue कर सकें और visa filing, and you can definitely get in touch with us for your SOP writing, क्योंकि हमारे SOP का success rate है बहुत high है, and definitely it would benefit you as well if you get in touch with us for this service. And finally, कुछ डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगा, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, आप गिव अप नहीं करें, क्योंकि गिव अप करेंगे दैट मीन्स IELTS का प्लान कैंसिल करेंगे, तो भी अपना फर्दर आपका क्या प्लान है, मुझे नहीं लगता कि कुछ आपके पास सॉलिड प्लान होगा।
मे बी आप कुछ और स्टार्ट कर लें या डिसअपॉइंट होके थोड़ी देर तक कहीं मैं अब तो घर पे ही रहूँगा, दो साल महीने बाद या छः महीने बाद या दो दिन बाद कभी भी सुनो और लेटर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको वायल्स ही कर लेना चाहिए। और जो बाद में इतने टाइम बाद आप स्टार्ट करोगे, क्यों ना कि एज सुन एज यू सी द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, थोड़ा रोना है रो लो, थोड़ा मूड चेंज कर लो अपना, जो भी करना है करो, बट विद अ स्ट्रॉन्ग इंटेंट एक अच्छा कमबैक करो, दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। अगर आप कहीं पर भी ट्रेनिंग के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, हमें रीच कीजिए फॉर योर 100% रिजल्ट्स, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। इंस्टीट्यूट इज़ इन मोगा सिटी, ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन, तो चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी बैठे हैं या अब्रॉड कहीं पर भी हैं, जो मर्जी रीच कीजिए, हम आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ऑल आई कैन से इज़ दैट दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू टू कनेक्ट, ताकि आप सभी कॉमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ें, अपने रिजल्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, रीच मी ऑन द फ्लैशिंग व्हाट्सएप नंबर। दिस इज वेरी मच ऑल इन टुडेज वीडियो, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। दिस इज कृष्णा एंड आई रियली लाइक टू थैंक रमन सर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच गुड ट्रेनर एंड फ्री कोर्सेस, अकेडमी कोर्सेस to gain good marks in IELTS training. He provided me each and everything which gives me confidence.